All, I hope you are great. I am Adar Khan and you are watching English Grammar, Literature and Linguistics. Dear viewers, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो फोनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एस लेटर को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर एस जो है वो ज़ा साउंड प्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जहाँ पर एस लेटर जो है ये सीन साउंड प्रोड्यूस करता है, और कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के कि जहाँ पर एस लेटर जो है ये शा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम चंद रूल्स सीखेंगे, ठीक है, अबाउट एस लेटर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि कैसे हमने इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। कहाँ पर ये जो है ज़ा साउंड प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर जो है हमने इसको सीन साउंड जो है वो इसके क्या करना है प्रोनाउंस करना है, और कहाँ पर हमने इस एस लेटर को शा साउंड जो है वो जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो है एस लेटर के प्रोनाउंसिएशन के हवाले से चंद रूल्स सीखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन रूल्स को अपने माइंड में रखना है और इन रूल्स के ऊपर आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह ये रूल्स जो है ये याद हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जो है नेक्स्ट आप जो है इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, कि एस को आप क्या कर सकोगे, करेक्टली प्रोनाउंस कर सकोगे, कहाँ पर आपने इसका जो है एस जो है ये ज़ा साउंड प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर ये सीन साउंड प्रोड्यूस करेगा, और कहाँ पर एस लेटर जो है ये शा साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, फर्स्ट नंबर रूल है, अगर कोई वर्ड, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो है वो एस पर ख़त्म हो, एस लेटर पर ख़त्म हो, ठीक है, और एस के बिफोर क्या हो, ये लेटर हो, टी ई टी के ई के पी ई पी या एफ, ठीक है, ये लेटर आए हों, ठीक है, तो क्या होगा इस सूरत में, इस सूरत में एस लेटर जो है ये सीन साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको जो है रीड करते हैं। रूप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीन साउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एस के बिफोर क्या आया हुआ है, एफ आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह लेप्स, अब लेप्स में एस जो है ये इस वर्ड के लास्ट में आया है, और यहाँ पर जो है इस वर्ड में क्या हुआ है, एस के बिफोर जो है पी लेटर आया है, ठीक है, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा। जॉक्स, चिप्स एंड काइट्स, ठीक है। इसी तरह क्या कर सकते हो आप जो है इस एस लेटर को जो है करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशंस हो, ठीक है, कि एक वर्ड जो है वो एस पर, एस लेटर पर ख़त्म हो, ठीक है, और एस के बिफोर ये लेटर्स आए हों, टी ई टी के ई के पी ई पी या एफ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एस जो है ये सीन साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसको आपने सीन साउंड जो है वो प्रोनाउंस करना है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, अगर कोई वर्ड, ठीक है, उसके आखिर में एस आया हो, ठीक है, और उस एस से पहले जो है ये लेटर्स आए हों, ई एफ आई ई जी 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 ई जी या बी ई, ठीक है, तो इस सूरत या वाई, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में एस जो होगा ये ज़ा साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आपने एस को क्या करना है, ज़ा प्रोनाउंस करना है, ठीक है, जैसे कि ये नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्स, अब एग्स आप देख सकते हैं एस, ये वर्ड एस पर ख़त्म हुआ है, और एस के बिफोर आप देख सकते हैं कि जी जी आया है, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा, ठीक है। इसी तरह स्टोरीज, रेज, बैग्स, हीरोज, टॉयज एंड ट्राइब्स, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरह जो है आपने क्या करना है, इस एस लेटर को ज़ा प्रोनाउंस करना है, ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशंस हो, ठीक है, कोई वर्ड जो है वो एस पर ख़त्म हो और एस के बिफोर ये लेटर्स आए हैं, ठीक है, जैसे कि ई एफ आई ई जी 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 ई जी या बी ई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर जो रूल है वो क्या है, वो है अगर कोई वर्ड जो है वो एस या डबल एस पर ख़त्म हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, आई ए आया हो या आई ओ एन आया हो, तो यहाँ पर जो एस होगा ये क्या होगा, ये शा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि एशिया, एशिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एस के बाद जो है आई ए आया है, ठीक है, तो ये शा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एशिया। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेशन, एग्रेशन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल एस के बाद आई ओ एन आया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी शा साउंड प्रोड्यूस होगा।
नेक्स्ट वर्ड है पेंशन, मेंशन, सेशन, रशिया एंड जो है पैशन। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में जो है एस लेटर जो है ये क्या होगा, ये शा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपने इसको शा प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ पर जो है अगर एस के साथ जो है एच आए, ठीक है, ऐसे अल्फाज जहाँ एस के साथ एच आए, तो इस सूरत में जो है क्या होगा, यहाँ पर एस जो होगा वो शा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि फिश, फिश, क्योंकि एस के साथ एच आया है। इसी तरह शेल्टर, शेल्टर, क्योंकि एस के साथ एच आया है। क्रश आप देख सकते हैं, ब्रश, फ्रेश, क्रश, रश एंड शाय। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इस एस लेटर को जो है किसी वर्ड में अगर इस तरह की सिचुएशंस हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको शा प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अच्छा डियर व्यूवर्स, अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एस के साथ जो है एच नहीं है, मतलब एस लेटर के साथ एच ना हो, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा, इसका जो मतलब इस एस की जो प्रोनाउंसिएशन होगी, इसकी जो साउंड जो प्रोडक्शन होगी, वो बेसिकली क्या होगी, वो भी शा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे श्योर, शुगर, प्रेशर, इशू, टिश्यू, इंश्योर या अश्योर। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आई होप के आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।